पासवानजी के अपन मंतव्य राख देवे के लिए हार्दिक अनुरोध करे छी। बहुत दूर से आ छथिन महिला नेत्री छथिन, उनका स्वागत में एक बेर जोरदार ताली से स्वागत कर दियू। सबसे पहले हमनी के तेसरो बहुजन समाज के तेसरो वार्षिक अधिवेशन दूसर में हमनी के सभा के सभा अध्यक्ष जी और विशेष अतिथि जी और अतिथिगण बाद में हमनी के संपूर्ण यहाँ दीदी बहनी महिला अथवा दाजू भाई सब उपस्थिति बनी। सबसे पहले हमारा तरफ से बारह जिला तरफ से जय भीम जय श्री। सबसे पहले हम प्रस्ताव रखे कथी चाहें एगो महिला भैया के करके अब हम तो बोले तो बेसी नेपाली में बोले लेकिन अभी भोजपुरी में बोलते ना बुझे लगी तक बुझे कोशिश भी कर दें। जैसे कि हमने के बारह जिला के भाषा रहने के भाषा फरक फरक करता वही से तो हमारे कहे के कथी मतलब है सबसे पहले हमनी के यहाँ जौन भी घटना घटत हमनी के दलित समुदाय में विपन्न में अत्याचार हिंसा जितना बार डाइन बॉक्सिंग कहे के चलिए चलिए तर हीन कहे के हमनी के खाली छोट परिवार में हो रहा है सबसे बड़का घटना सबसे बड़का बड़का में होता तो उन लोग के बोलू ये हम रोमांस तो हमनी के दलित समुदाय के कान पर भ के दोसर कोई बंदूक पर का होता ओकरे इशारा में हमनी के ये दलित समुदाय चल रहा है। सबसे पहले हमनी के दलित समुदाय में जरूरी कथी बा सबसे पहले शिक्षा शिक्षा रही दूसर में हमनी के स्वास्थ्य निमन रही फिर हमनी के लड़न सर उस जगह में पहुँचन सर फखर आदमी हमारे से आगे दो आदमी कह के बहुत अच्छा अच्छा बात बोल लो लेकिन हमनी के शिक्षा में ध्यान नहीं के ऐसे हमनी के महिला महिला के हिंसा कर रहा है बेटा और बेटी के विभेद कर रहा है शिक्षा में वंचित कर रहा है अपने सक्षम होने के पड़ा हम अपना पैर पर खड़ा होके अपन दो गो से लेके तीन गो बाल बच्चा के हम एगो ऐसी देश के प्रधानमंत्री बनाए एसपी बनाए डीएसपी बनाए न्यायाधीश बनाए वो सोच लेके हमनी के चले के पड़ल गार्जियन लोग के तो हमनी के सोच बा एगो कमिहार रही है आ चार गो पांच गो बाल बच्चा परिवार रही दस गो तो एगो कमिनी से हमनी के वो शिक्षा हासिल न हुई वो शिक्षा हासिल करे खातिर ले हमनी के छोट परिवार सुखी परिवार शिक्षा बनावे पड़ी तब जाके हमनी के वहां तक ले पहुंचल जाए काहे तो बहुत कुछ हम लोग पाए वाला बात आगे साथी कह देले बानी वही से हमनी के पराया देखे 99 दिन ठीक रही हमनी के दलित समुदाय जब एक दिन चुनाव आई एगो दलित समुदाय के जिताए के बात आई तो वहां दलित राता रात दारू और मांसू में बेचा वो अधिकार अपन मूल्यांकन ना देखी हमार अस्तित्व कहाँ बा हम कहाँ बनी हमरा कहाँ रहे चाहिए क्षण भर के स्वार्थ ले हमने के क्षण भर के स्वार्थ से हमने के इतना पछाड़ी कर रहा बनी जितना ये शोषणकारी हो रहा बा पूंजीपति लोग हमने पर कर रहा बा जब तक ले हमने के ही एक बहुजन शक्ति बन के हमने के ना लड़ल जाए तब तक ले हमने के ही नेपाल में ऐतिहासिक ना बनी सब दिन हमने के हरवाए चरवाए रहे अच्छा से देखे हम अपने गांव घर में एगो लड़का अगर पढ़े लिखे वाला अच्छा बहर गल बा ओकरा खातिर ला गांव पालिका हो चाहे प्रदेश हो चाहे हमनी के गांव पालिका चाहे गाविसा हो पापा बजट छुटिया का उन दलित के आगे बढ़ाए खातिर ला काम करी पूरे गांव भर के मुखिया पंच होकर के बिहान हरवा बनाई ट्रैक्टर सिखावे के ड्राइवरी बनाई उहे घुमा के फटी के दुआरी पर ले जाके दारू बेल खाए के आदत सिखाई वो भी संगत हमनी के एकदम गलत था वो भी संगत हमनी के एकदम गलत था वो चीरे के करी
देखाई होगी। एक बोगो नहीं है, खाली सिर्फ ये बात सीट के संरक्षण रखे खातिर दलित के नाम दिया गया बा, काम एक बोगो नहीं है। हमने का कभी भी ना हमने गांव गांव में जाए सर, हमने का सोची नहीं सर, वो दलित आज इतना चेतनशील हो जाए, वो अपना के व्यापारी हो जाए, अपना के सक्षम हो जाए, तो बिहान हमने के गुलामी कौन करी। आज धनी लोग के जितना भी व्यापार चलता करता तो खाली ये गरीब ये दलित ये शोषण में पड़ के आज वो लोग सब महाजन में हम जाए के तो आए बारी। सबसे पहले हमने के उस चीज के हराए के बाद तो अपना में हिम्मत रखे के पड़ल, हम संघर्ष करें लड़ें, अपना पैर पर खड़ा होकर हम बिजनेस व्यापार करें, अपने बाल बच्चा के उच्च से उच्च हम शिक्षा दे खातिर वो लाइक हमने की बोलन शक्ति के हमने अपने से लड़े के पड़ी डटे के पड़ी तब जाकर सकल ने तो सब दिन हमने तो दूसरे के पीछे पीछे लगले लगले हमने एक तरह भगवान सन सब दिन हमने के एगो माने कहने से भक्ति मत रहम सन बहुत अच्छा हमने के साथी बनी। अब बोका ने लगा दिया है लेकिन हमारे का सर तो सकी ना सकी सारा कुछ हमने लोग के सत्ता बा तो हमने के ही जन समाज बा आज हत्या होता हिंसा होता महिला हिंसा होता गांव में अगर एक दलित के लड़का लड़की भाग गए तो गैर दलित चले उठ के पंचायती करे वे गैर दलित के घर में अगर लड़का लड़की की घटना हुई तो लव मैरिज कर लगा कितना सही भाषा बोला करियो तो उस जितने हमने के दलित समुदाय में होते के पड़ल नु हमने के चीज करे पड़ल तो हमने के दलित के गोर के खींचता तो दलित जाके खींचता है वो कहा तब हमने के जात के नाम हटा देव एगो हमने के दलित समुदाय में पढ़ल लिखल महिला बाहर निकल जाए घुंडा नीचे कर ले तो गैर दलित ना हंसी तो ले पहले अपने दलित हंसे लगी देखा ना सामना के बहुरिया कैसे जाता है ओकरा तलाजे ना बा ओकरा के काम कर तबे करे से भी वंचित कर दी हमनी के समय तो हमनी के समय जो कर दी आ उहे परमीन के पतो आ जाए तो वो डॉक्टर बा तो मास्टर बा तो स्कूल जाए तो हाई कार्यक्रम करी तो हमें टिपा टिपनी हमनी के समुदाय ना करी तो बनू हानिक बा तो वही के चलते हमनी के अपना पछाड़ी पड़ल बनी पछाड़ी पड़े के यह सब कारण बा हमर एक एगो सलाह सुझाव बा कथी सबसे पहले हमनी बाल बच्चा के शिक्षा के दूसर में हमनी के परिवार छोट परिवार सुखी परिवार बनाओ जा खाली परिवार बढ़ाई से ना हो जहाँ पांच गो बच्चा के हम जन्माओ तनी पांच गो बच्चा के पांच भाग लगाओ तनी वहाँ दो भाग लगाएं तो जरूरे फर्क पड़ी दवा से लेके बीरो से लेके शिक्षा से लेके हर चीज फर्क पड़ी हमनी के दलित समुदाय यही है बा बेटा और बेटी दोनों के काम एक एगो बा एक एगो माई के पक्ष से जन्म तो ओकर बराबर के हकदार बा ओमे कौनो आगे पीछे व्यक्ति सोचे के डिबेट करे के पढ़ाई से लेके लिखाई से लेके ये वंचित हमनी के समाज करे से ले आलू ये विभेद बा ये विभेद करे के ना होई बस हम लोग चीट आ गए हमरा थोड़ा समय इतने मिलल बोले के धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद सुगंधी जी के।